क्या आपके कबूतर खाली अंडे रखते हैं, या अंडों में से बच्चे नहीं निकलते हैं, या बच्चे निकलने के बाद थोड़ी दिन बाद या 2, 5, 10 दिन बाद या 20 दिन बाद वो मर जाते हैं? तो दोस्तों, ऐसी शिकायत से, ऐसी परेशानी से हम इसमें निजात का एक छोटा सा फॉर्मूला है वो आपको बता रहा हूँ दोस्तों। देसी नुस्खा है, अपने कबूतरों को फिट रखिए, अच्छे हेल्दी रहेंगे तो ये शिकायतें नहीं आएंगी। आपका छोटा भाई आपको बता रहा है एक अपना अनुभव जो मैंने किया है पिछले कई सालों से, जो मैंने जाना है कि कोई भी बर्ड्स हुआ या कोई भी एक जान वाली चीज़, अगर उसमें कैल्शियम विटामिन की कमी होगी तो उसमें सीधी सी बात है कि ये चीज़ें जैसे वो सफल नहीं होंगी, जैसे कि अंडे देना या बच्चे देना या बच्चे पालना, फिर वो सफल नहीं हो पाते दोस्तों। तो आप साथ साथ देखते चलें, मैंने आपको बता दिया सौंठ पाउडर बता दिया है, जो मार्केट में सौंठ पाउडर के नाम से मिलता है, 20-25 रुपए की ये छोटी पैकेट आता है, इसको मैंने एक डिब्बे में भर के रखा है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ रेत, जी हाँ, थोड़ा बहुत ग्रिट, इसको परिंदे बहुत ही अच्छे से खाते हैं, ख़ास करके वो परिंदे जो केज में रहते हैं, लॉफ्ट में अंदर रहते हैं, उनको सिर्फ दाने के अलावा कोई चीज़ नहीं मिलती। और हाईटेक मैंने आपको बताया है, और ये जो छोटे छोटे बॉक्स हैं, डिब्बियां हैं, सीसी बोतलें हैं, छोटी बोतलों में, इनमें मैंने यही चीज़ तैयार करके रखी हुई है, जैसे किसी में काली मिर्च पाउडर है, काला नमक पाउडर है, और ईंट जो भी हमने दिखाई आपको, इनको पीस करके इसमें हम मिक्स करके इसको भर देते हैं। अब ये कम है, हमने इसको छोटे बॉक्स में रखा हुआ है, ज़्यादा हो जाते हैं तो हम इन्हें बाल्टियों में भर के भी इनको रखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सौंठ पाउडर हुआ, ये हाईटेक है जो पेट के कीड़े मारने में काम आता है, जो रबड़ के जैसे आपने देखा होगा कबूतर की पोटी में निकलते हैं, वाइट कलर के रबड़ जैसे होते हैं लंबे लंबे, तो ये उसको मारने के लिए, अगर पेट के कीड़े मारना है तो उसके लिए ये सफल इलाज है। आप इसमें थोड़ी सी शक्कर मिला के 1 लीटर पानी में 5 ml आप इसको घोल सकते हैं, तो ये चीज़ भी आपकी अच्छी हो जाएगी, उससे कबूतर फिट रहेंगे। अगली आपको मैं जो चीज़ दिखा रहा हूँ ये है ब्रोटोन, जो कि लीवर टोनिंग का बेस्ट फॉर्मूला है, और एक ही वाइमराल, ये वाइमराल है, इसको कैसे यूज़ करना होता है इनको मैं आगे की वीडियो में हम बताएंगे आपको, और पिछली हमने पहले की वीडियो में बहुत पहले हमने बता दिया था, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊँगा। ये ऑस्टोविट है जो कि कैल्शियम से भरपूर है, परिंदों को देना होता है, कैसे देना होता है ये हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे। देखिए, जब हमने ट्रे में इनको लगा दिया है, जो मिट्टी है कैल्शियम विटामिन से भरपूर, तो ये ऐसे शौक से खाते हैं। और देखिए, जो हम मिट्टी तैयार करते हैं उसको हम इस फीडर में डाल देते हैं, ये जो फीडर है इसमें अंदर ये आपस में फिर ये खा लेते हैं, खूब मॉइस्चर कर दिया हमने, क्या क्या मॉइस्चर किया है, मिलाया है हमने नमक, मिलाया है काला नमक है, और सौंठ है, काली मिर्ची है, अजवाइन पाउडर है, और मिट्टी थोड़ा बहुत, हम रेत, अगर आप रेत अलग से देना चाहें तो रेत अलग से भी दे सकते हैं, जो रेत बालू रेत आती है जिसमें कंकर होते हैं छोटे छोटे, चुनाई वाली जो रेत होती है, ठीक है। तो और वो ईंट जो पीसी है आपने, या कोई मिट्टी अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसमें मिट्टी में वो चीज़ें मिला सकते हैं, चारों चीज़ें, जैसे जो है काला नमक है, काली मिर्ची है, अजवाइन पाउडर है, सौंठ है, वो हम ईंट जो हमने पीसी है मिट्टी में मिला करके हम ये चीज़ दे सकते हैं इनको, ठीक है। देते हैं तो इससे फर्टिलिटी बनी रहती है दोस्तों, खाली अंडे नहीं होते हैं, कबूतर भी फिट रहता है दोस्तों। तो इस आज के लिए इतना ही, मैं आपको और नई नई चीज़ें, दूसरी चीज़ें या जो भी आप जानना चाहते हैं वो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उस पर आपको वीडियो बनाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।